हेलो व्यूवर्स, सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के भाई बलराम जी कौरवों की ओर थे या फिर पांडवों की ओर। दोस्तों इसे जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों अगर आप महाभारत के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस देखने की इच्छा रखते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर हमने महाभारत काल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। सो दोस्तों अब बात करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की ओर। दोस्तों श्री कृष्ण जी तीन भाई बहन थे। पहले श्री कृष्ण जी थे, दूसरे बलराम जी और तीसरी उनकी सबसे छोटी बहन सुभद्रा जी थी। श्री कृष्ण जी जहाँ पर काले रंग के थे और दूसरी ओर बलराम जो कि एकदम गोरे रंग के थे। श्री कृष्ण जी का स्वभाव बिल्कुल ही शांत था, गुस्सा कभी नहीं करते थे और दूसरी ओर बलराम जी बहुत ही गुस्सैल किस्म के आदमी थे। वह बात बात पर झगड़ा करते थे और श्री कृष्ण जी अपने पास हमेशा बांसुरी रखते थे और दूसरी ओर बलराम जी हमेशा अपने पास हल रखते थे। जैसे श्री कृष्ण करण और अर्जुन दोनों धनुधारियों में से अर्जुन को ज़्यादा पसंद करते थे और दूसरी ओर बलराम जी और दुर्योधन में से दुर्योधन जी को ज़्यादा पसंद करते थे और उनका लगाव दुर्योधन जी से ज़्यादा था। और इसी लगाव के चलते बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन जी से करवाना चाहते थे, परंतु तब श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं रची और उनका मुलाकात अर्जुन जी से करा दी। और महाभारत के युद्ध में भी जब भीम ने दुर्योधन को मार दिया तब बलराम गुस्से से एकदम लाल हो गए और उन्होंने अपना हल उठा लिया भीम को मारने के लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनको फिर अपनी लीलाओं के बारे में बताया और उनका गुस्सा ठंडा हो गया और फिर उन्होंने भीम को माफ़ कर दिया। तो दोस्तों दो तीन उदाहरणों से पता चल ही क्या होगा आपको कि बलराम किस ओर थे, कौरवों की ओर थे या पांडवों की ओर। वह साक्षात ही कौरवों की ओर थे और श्री कृष्ण पांडवों की ओर, पर वह दोनों लड़े किसी की ओर से नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक ही था। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपको अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।